नमस्ते, स्वाभिमानी माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं सूजी का हलवा बनाना। चलिए शुरू करते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए। हम एक नए तरीके से हम बनाएंगे। तो हमने ये पानी ले लिया है और ये हमारा चीनी है। देखिए, टेस्ट के अनुसार चीनी मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो हमें ये पानी हमारा उबल रहा है, तो हम इसमें चीनी दे देंगे। हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस ऐसे ही से हम चीनी जब तक घुल जाए तब तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे। हमारा चीनी घुल जाने तक फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए, हमारा चीनी पानी में अच्छे से घुल गया है। अब हम पानी को हटा देते हैं एक साइड में। एक कढ़ाई ले लेंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसी तरह से कढ़ाई में सूजी डालेंगे। एक कटोरी हमने में सूजी डाल दिया है और हम इसे 5 मिनट भून लेंगे मीडियम फ्लेम में, बिल्कुल चलाते हुए। हमारा सूजी भुना गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने इसमें 4 चम्मच घी डाल दिया है, उसी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में हमने सूजी को भुना था। अब हम भुने हुए सूजी इसमें डाल देते हैं और इसे भून लेंगे घी के साथ। इस तरह से आप अगर सूजी का हलवा बनाएंगे ना, तो ये खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे लगेंगे। ये परफेक्ट सूजी का हलवा बनेगा। जैसे प्रसाद में भोग में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। इसी तरह से प्रसाद वाले भोग में बनता है। इस तरीके से आप बनाएं और हमें बताएंगे कमेंट्स में लिख करके कि कैसा बना था। 5 मिनट लो फ्लेम में घी के साथ सूजी को भून लेना है। अब हम इसमें जो हमने चीनी पानी का घोल बनाया था ना, उसे अब हम इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।